गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, एक बार हम फिर हाजिर हो रहे हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। आज हम अपना नया टॉपिक देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कार्य हैं, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कैसे मदद करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम देखें, आज अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं या वर्तमान में आप शिक्षक हैं, तो आप देखेंगे बिना मतलब मनोविज्ञान के ज्ञान के आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। क्यों? पहले देखें, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक पढ़ रहे हैं, उन बालकों की अपनी खुद की कुछ ना कुछ समस्याएँ होती हैं, किसी की व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं, किसी की मानसिक होती, किसी की स्वास्थ्य शारीरिक होती है, तो हर प्रकार के बालक आपके लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। जो बालक आपके एवरेज नहीं है, एवरेज से ऊपर है या एवरेज से नीचे है, वो दोनों ही प्रकार के बालक आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की रुचि, योग्यता, अभिरुचियों के बारे में आपको ज्ञान देता है, यानी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताता है, उसके आधार पर आप प्रत्येक बालक की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बालक की किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको हल करने में शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की मदद करता है। दूसरा आता है हेल्पफुल इन द प्रिपेयरिंग टाइम टेबल। हमने देखा कि आप देखते हैं क्लास में जाते हैं तो एक समय सारणी आपको दी जाती है कि आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो देखते हैं टाइम टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, शिक्षक के अनुसार टाइम टेबल को सेट कर दिया जाता था, परंतु वर्तमान में जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर टाइम टेबल को सेट किया जा रहा है। इसमें बालकों की रुचि, बालकों की थकान, बालकों की योग्यता, उन सब का ध्यान रखा जाता है। तो एक शिक्षक को जब टाइम टेबल सेट करना हो तो वो शिक्षा मनोविज्ञान उसकी मदद करता है कि हम टाइम टेबल को किस अकॉर्डिंग सेट करें। थर्ड आता है हमारा हेल्पफुल इन गाइडेंस। हम अगर इसको देखें कि आपके बालकों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के आधार पर हम ध्यान देते हैं कि बालक आगे कैसे क्लास में आगे जा सकता है। प्रत्येक बालकों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, एक शिक्षक उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसको उसी तरीके का निर्देशन देता है। प्रत्येक वो निर्देशन शैक्षिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यावसायिक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अगला कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हो गया, बालकों को निर्देशन देना। फोर्थ की हम बात करते हैं, यूजफुल इन द नोइंग द डेवलपमेंट स्टेज। एक शिक्षक, आप जब क्लास में जा रहे हैं, आपकी क्लास में या आपको जब भी हम क्लास टीचर बनाते हैं, तो हो सकता है आपको क्लास फर्स्ट का क्लास टीचर बनाया जाए, आपको फिफ्थ का बनाया जाए, आपको एट्थ का बनाया जाए, तो हर क्लास के अकॉर्डिंग आपको बच्चों की एज भी अलग अलग होगी, एज के अकॉर्डिंग आपके बालकों की जो अवस्था है विकास की वो भी अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करूँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, आप किसी भी क्लास के टीचर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रत्येक विकास की जो अवस्था है उसके बारे में आपको ज्ञान देता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी खुद की विशेषता होती है, उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए टीचर को बालकों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान आपकी मदद करता है। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो कहावत है आप शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार उसे चरितार्थ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बालकों को आप जैसा भी बनाना चाहते हैं, उनके अंदर जो भी आदत आप निर्माण करना चाहते हैं, आसानी से आप कब कर सकते हैं, केवल शैशवावस्था। फ्राइड का एक कथन है कि बालक को आप जो भी बनाना चाहते हैं वो केवल 5 वर्ष की आयु तक ही निर्धारित हो जाता है। अर्थात आप जो भी बालक के अंदर गुड हैबिट्स डालना चाहते हैं वो केवल 5 साल की अवस्था के अंदर ही आप उनके अंदर डाल दीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपकी मदद करता है बालकों की आदतों को निर्माण करने में, कि अच्छी गुड हैबिट्स बालकों में कैसे डाली जा सकती है। अगला आता है हेल्पफुल इन द अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन। आज मैं बात करूं, बिना उद्देश्य के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हो, वो कभी भी सफल नहीं होता। ऐसी हमारी शिक्षा है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है वो सबसे पहले एक शिक्षक को पता होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की मदद करता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे निर्धारित किया जाए, उनको क्लास में जाके कैसे अचीव किया जाए। अगला आता है हमारा हेल्पफुल इन द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।
बालकों के मापन एवं मूल्यांकन में मदद करता है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। आपकी कक्षा में जो भी बालक पढ़ रहे हैं उन बालकों के अनुसार उनके स्कोर कार्ड कैसे हैं, बालकों आपने जो भी उनको सिखाया, बालक ने कितना सीखा, उसका ज्ञान अगर एक शिक्षक को नहीं होगा तो हमारा सिखाने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बालक ने जो जो सीखा है और सीखने के बाद उसने कितना अपने अंदर रखा है उसका हम आसानी से मापन एवं मूल्यांकन किसके आधार पर कर सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर। थैंक यू।